कल शाम को लगभग 8 बजे के करीब हमारा जाट कॉलेज के जिम्नेजियम हॉल में एक इंसिडेंट हुआ है, जिसमें 5 व्यक्तियों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है और 2 व्यक्ति जिनके ट्रीटमेंट चल रहा है PGI रोहतक में, और एक व्यक्ति रेफर हो चुका है मेडिसिटी गुड़गांव में। अभी तक की जो हमारी प्राइमा फेसी जानकारी एकत्रित हुई है वो ये हुई है कि ये जो 5 व्यक्ति थे ये सभी स्पोर्ट्स पर्सन थे, कुछ कोचिंग का काम करते थे, कुछ स्पोर्ट्स बेसिस पे रेलवेज और अन्य विभागों में सर्विस करते थे। जो हमारा मेन एक्यूज्ड है सुखविंदर, वो भी रेसलिंग कोच है, जो कुछ दिनों से जाट कॉलेज के जिम्नेजियम में रेसलिंग कोचिंग का काम कर रहा था, और कुछ कंप्लेंट्स आने की वजह से उसको जो मेन DPI थे जाट कॉलेज के मिस्टर मनोज मलिक, उन्होंने उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया था। प्राइमा फेसी यही पता चला है कि इसी रंजिश की वजह से उसने कल यहाँ पर आकर इस घटना को अंजाम दिया है। ये बहुत सीरियस इंसिडेंट हुआ है यहाँ पर क्राइम का। इसमें हमारी रोहतक पुलिस की, STF की और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की पुलिस भी इस इंसिडेंट को और इस एक्यूज को नैप करने के लिए लगातार एफर्ट्स कर रही हैं। DGP हरियाणा ने इस इन्वेस्टिगेशन को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, हमारे ADG रेंज और बाकी सीनियर ऑफिसर्स भी इस इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर रहे हैं, और DGP हरियाणा ने इस एक्यूज पर 1 लाख का इनाम ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। और मेरी सभी से आपके माध्यम से अपील है कि अगर इस व्यक्ति की कहीं भी कोई सूचना मिले तो वो रोहतक पुलिस के हमारे मेरे मोबाइल नंबर्स पर DSP सांपला और श्री नरेंद्र कादियान और DSP रोहतक श्री विनोद कुमार, इस SIT में दोनों DSPs को और हमारे क्राइम यूनिट्स को, CIA की टीम को, डिटेक्टिव की टीम को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है प्रोवाइड करें। हम उनका नाम गुप्त रखेंगे और उनको उचित इनाम प्रोवाइड करवाएंगे। एज ऑफ नाउ हमारे पास जो एकत्रित सूचना है वो यही है कि एक एक्यूज था, लेकिन इसमें अन्य एक्यूज की इन्वॉल्वमेंट से अभी मैं इनकार नहीं कर पाऊँगा, और जो भी इसमें दोषी होगा उसको पकड़ के उसको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। और अभी उन 5 व्यक्तियों का जो कल रात के इंसिडेंट में डिसीज हुए हैं उनके पोस्टमार्टम और अन्य प्रोसेसेस चल रहे हैं। हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम्स मौका वारदात से अलग अलग सबूतों को, साक्ष्यों को एकत्रित कर रहे हैं। हम CCTV फुटेज भी कलेक्ट कर रहे हैं और आसपास के जो भी कैमराज की फुटेज आएगी उसको एकत्रित करके एविडेंस के रूप में इस केस इन्वेस्टिगेशन में किया गया। सर, मरने वालों के क्या नाम है और क्या इनका रिलेशन? देखिए, जो मेन है मिस्टर मनोज मलिक, वो यहाँ पर DPI थे जाट कॉलेज में। उनकी वाइफ मिसेज साक्षी मलिक हैं, वो रेलवेज में सर्विस करती थी। उनका बेटा है, वो अभी माइनर है, वो अभी इंजर्ड है और उसका PGI में अंडर ट्रीटमेंट है, वो 4 साल का छोटा बच्चा है। उसके अलावा सतीश कोच हैं, जिनको जो यहाँ पर कोचिंग का काम करते थे। उसके अलावा हमारे जो एक प्लेयर थी मथुरा की रहने वाली थी और वो यहाँ पर प्रैक्टिस करती थी, उनकी डिटेल्स हम एकत्रित कर रहे हैं कि वो जाट कॉलेज की स्टूडेंट थी या फिर यहाँ पर सिर्फ कोचिंग के लिए यहाँ पर आई हुई थी। तो ये अभी तक हमारी जिस तरह से कल हमसे बात हुई है सुखविंदर की सुबह 7 बजे जी, तो सुखविंदर ने जिस तरह से कहा कि जो हिस्सेदारी को लेकर उनका कुछ मनमुटाव था मनोज मलिक के साथ, क्योंकि ये था तो जाट कॉलेज का अखाड़ा, लेकिन इसमें प्राइवेट बच्चे भी प्रैक्टिस करते थे जिनसे फीस ली जाती थी। देखिए, अभी क्योंकि मनोज मलिक ऑलरेडी एक्सपायर हो गए हैं और सुखविंदर हमारी कस्टडी में आया नहीं है, तो इस समय मोटिव या कोई कारण पक्की तौर पे कह पाना, इस समय मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ। वो इन्वेस्टिगेशन जांच का विषय है और जैसी कोई चीज सामने आएगी वो आपको जरूर बताएं। सर, कोई आई विटनेस मिला है पुलिस को? कितने राउंड में आई विटनेस मिला है पुलिस को? देखिए, आई विटनेसेस अभी कोई सामने नहीं आया, लेकिन जैसे हमें फीडबैक है वो ये है कि वहाँ पर कई आई विटनेसेस होने चाहिए, लेकिन अभी तक कोई सामने नहीं आया। हमें मौके से कुछ खाली कारतूस वगैरह बरामद हुए हैं, उन लोगों का पोस्टमार्टम चल रहा है जो 5 डिसीज्ड हैं।
पोस्टमार्टम के बाद ही ये कहा जा पाएगा कि बुलेट इंजरीज उनके कितनी हुई हैं, और उससे पहले ये कह पाना कि कितनी गोलियां चली हैं वो मुनासिब नहीं है। क्या कोई सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगा है? अभी हमारी टीम्स इकट्ठी कर रही हैं, दे आर जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमारी टीम्स अलग अलग पॉइंट्स की एकत्रित कर रही हैं, जो भी फुटेज आएगी वो जरूर। FIR में सर, FIR में कई और लोगों पर भी शक जताया है मृतक के भाई। देखिए वो हम भी कह रहे हैं कि इस घटना में एक या एक से ज्यादा की इन्वॉल्वमेंट को अभी हम इनकार नहीं कर रहे। अभी जो प्राइम एक्यूज है वो सुखविंदर है, उसके अलावा जो भी एक्यूज होगा उसको भी नैप किया जाए। देखिए क्योंकि जो लोग मीटिंग में थे, पांच उनमें एक्सपायर हो चुके हैं, सुखविंदर फरार है और दो व्यक्ति, एक छोटा बच्चा है और एक व्यक्ति अंडर ट्रीटमेंट है, तो मौके पर जो भी नेगोशिएशंस थी या उसने बाहर से आके हमला किया है वो इस समय बता पाना मेरे लिए उचित नहीं होगा, वो हमारी जांच कर। सर जिस तरह से रोहतक में जिस तरह वारदात हुई है, आरोपी फरार हो गया, क्या पुलिस की नाकेबंदी नहीं थी, क्या ये लापरवाही नहीं? देखिए जैसे हमारी टीम्स इसमें काम कर रही हैं तो हमारे पास इस समय कई तरह की इंफॉर्मेशन है जो इस समय मैं इन्वेस्टिगेशन, अंडर इन्वेस्टिगेशन होने के नाते शेयर नहीं कर पाऊंगा कि ये इंसिडेंट कितने बजे हुआ है, कब पुलिस को इंटीमेशन आई है, कब हमारी टीम मौके पर पहुंची है, क्योंकि अगर हम हमारे कंट्रोल रूम के लॉक के हिसाब से चलें तो 8:10 पर हमें कॉल आई है और लगभग 8:30 तक हमारी सभी टीम्स मौके पर और डिस्ट्रिक्ट सील कर दिया गया था। अब इंसिडेंट कब हुआ है वो मेन एक्यूज के नैब होने के बाद ही। कितनी टीमें इकट्ठी की गई हैं? एक गोली तो शायद एंट्री से उधर मारी गई ना, एक को जो घायल है उसे। देखिए वो घायल की अभी हमारी टीम स्टेटमेंट लेने के लिए गई हुई है, तो जैसे ही वो स्टेटमेंट देगा उसके बाद क्लियर होगा। बच्चा अभी क्रिटिकल है लेकिन हमारी PGI प्रशासन से भी बात हुई है, जो भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटीज उस बच्चे को दी जा सकती हैं वो उसको दी जा रही हैं, और मेरी ईश्वर से भी कामना है और अपनी PGI की टीम पर भी हमें पूरा भरोसा है कि जो भी बेस्ट पॉसिबल बच्चे के लिए होगा वो किया जाए। जब तक मेन एक्यूज नैब नहीं हो जाता है तब तक मेरे लिए मोटिव उचित भी नहीं होगा और मुनासिब भी। सर मर्डर सीक्वेंस कुछ लग रहा है वो हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम्स मौके पर है, जैसे ही वो होगी व्हील चेयर। नहीं मैम, मैं इस मौके पर ये बात नहीं कह पाऊंगा कि वो बैठक में था या बाहर से आया था या उसको बुलाया गया था, अभी कुछ इस समय हमारे लिए ये कह पाना। क्या वो सस्पेंड हुआ था इस वजह से मीटिंग चल रही थी? मीटिंग का क्या पर्पस था? मैडम मीटिंग थी या बच्चे वहाँ प्रैक्टिस करने के बाद इकट्ठे हो रहे थे, क्योंकि वो बेसिकली रूम्स हैं जहाँ पर वो रेस्ट करते हैं और चेंजिंग रूम्स हैं, तो वहाँ पर वो मीटिंग कर रहे थे, प्रैक्टिस करने के बाद फ्रेश हो रहे थे, क्या कर रहे थे इस समय हमारे लिए। में ये सामने आया है कि गोहाना का जहाँ का वो रहने वाला था वहाँ पर उसके पास कोई लाइसेंस वेपन नहीं था, इशू नहीं था, पुलिस के रिकॉर्ड्स में वहाँ नहीं मिला है, और जैसे ही वो नैब होगा तो क्लियर। सर आप उनके परिवार के लोगों से मिलकर आए हैं पोस्टमार्टम, उन्होंने अपनी सुरक्षा पर जैसे वाली निशान उठाया कि वो सभी को जानता था कि उनको खतरा है कि कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को टारगेट ना करें, उस पर क्या कहेंगे? परिवार की सुरक्षा, जैसे मैं वहां पर भी उनको आश्वासित करके आया हूं कि हमारे लिए एक अहम इशू है और हमारी एक अहम जिम्मेवारी है कि उनको सुरक्षा प्रोवाइड करवाना हमारे, क्योंकि इस इंसिडेंट में कुछ लोग, कुछ परिवार सोनीपत रहते हैं, कुछ झज्जर रहते हैं, मेरी ऑलरेडी दोनों डिस्ट्रिक्ट SP से बात हो चुकी है, और जहां पर भी उनको सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होगी और उनकी डिमांड होगी वो हम अप्रोप्रिएट असेसमेंट करके उनको प्रोवाइड करेंगे। सर आखिरी सवाल ये है कि क्या परिवार ने, आरोपी के परिवार ने उसको जायदाद से पहले बेदखल कर दिया था? वो एक कुछ मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है एक डॉक्यूमेंट, उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन अगर कुछ आएगी सूचना, क्योंकि अभी ये केस इन्वेस्टिगेशन में है, तो वो जैसे ही कुछ आएगा। SP sir, इस तरह का जो साइलेंट मोटो होता है इसके बारे में पुलिस भी क्या कर सकती है, निश्चित तौर पर जाहिर सी बात है, लेकिन फिलहाल जो आप देखिए ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इससे हमारी तफ्तीश प्रभावित होगी, तो ये मैं अभी शेयर नहीं कर रहा। ये पूरा भरोसा है कि ये जल्दी ही पुलिस की गिरफ्त में होगा, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है
और पूरी हरियाणा पुलिस, रोहतक पुलिस और हमारे पड़ोसी जिलों की पुलिस और इवन हमारी दूसरी स्टेट पुलिस जिनके साथ हम कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं इस इशू को और इस एक्यूज को जल्दी ही जो कानूनी प्रक्रिया में हम लेके हैं। सर, 7 लोगों पे फायर किया गया है, एक से ज्यादा वेपन यूज अभी क्या पाना मुश्किल होगा क्योंकि पोस्टमार्टम में जब उनके बैलिस्टिक रिपोर्ट्स आएंगी उसके बाद ही ये कहा जा पाएगा कि ये सभी राउंड्स एक वेपन से फायर हुए या मल्टीपल। हमें पता चला है कि कोई लड़की की कंप्लेंट हुई थी, कंप्लेंट उसकी किस लेवल पर हुई थी, किस अधिकारी के पास हुई थी, रिटन कंप्लेंट थी, वर्बल कंप्लेंट थी, ये जांच का विषय। सर एक सवाल और, सर सुखविंदर को कब हटाया गया था, क्योंकि जैसा आपने कहा कि कॉलेज का जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटिव काम उनका बंद हो चुका था। अभी हमारी टीम्स कॉलेज प्रशासन और मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं कि क्या इसको कोई रिटन में अपॉइंटमेंट दी गई थी, कॉन्ट्रैक्ट था या क्या था, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया गया था, वो हम उनसे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहे हैं। इसको रिटन में कन्वे कर दिया गया था कि आप हटाए जा रहे हैं या वर्बली कम्युनिकेट किया गया था, वो हम सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किस तरीके की, वो एज ऑफ नाउ हमें रिटर्न में हमारे पास कुछ नहीं है तो मेरे लिए बोल पाना ठीक है सर। तो हमने भी बच्चे को कोई क्योंकि उसका बच्चे का हेल्थ जो है वो हमारे लिए नंबर वन प्रायोरिटी है और तो वो बच्चे को अभी हमारी किसी टीम ने या डॉक्टर्स ने वो नहीं किया, डॉक्टर्स उसको डील कर रहे हैं लेकिन हमने उस बच्चे के साथ कोई इंटरेक्शन या बच्चे के साथ कोई मुलाकात या उस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन, डॉक्टरों से बात हुई हो सर, कोई डायरेक्ट बुलेट इंजरी है या वैसे ही? बच्चा अंडर ट्रीटमेंट है, हमने उसकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स को अननेसेसरीली डिस्टर्ब करना इस समय हमारे लिए ठीक है।